डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट साइंस को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, हम लोग साइंस में पिछले क्लास में एक नए चैप्टर की शुरुआत किए हैं, जो एक बायोलॉजी का चैप्टर है, एक जीव विज्ञान का चैप्टर है, बायोलॉजी का है यानी कि बायो, जिसमें हम लोग छठे चैप्टर को पढ़ रहे हैं जो एनसीईआरटी बुक को फॉलो कर रहे हैं, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। तो हम लोगों ने पिछले दिन जैव प्रक्रम टॉपिक बनाया था, उसी टॉपिक के अंतर्गत हम लोग कुछ बात को सीखे भी थे, लिखे भी थे। चलिए वो टॉपिक्स हम, जैसा कि जानते हैं, आपको पता होगा टॉपिक ख़त्म नहीं, और टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ था, उसमें और कुछ चीज़ें हम लोगों को बाकी रह गया था। चलिए नेक्स्ट एरो दिया जाए, उसके नीचे लिखेंगे हमारे शरीर में भोजन और ऑक्सीजन को, हमारे शरीर में भोजन और ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए वहन तंत्र की आवश्यकता होती है, वहन तंत्र की आवश्यकता होती है। जी हाँ दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, आप बिल्कुल याद रखिएगा। अगर कोई पूछेगा कि जो हमारा शरीर है, शरीर के बाहर से जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो श्वसन की क्रिया होता है, और ऑक्सीजन जब हम प्राप्त करते हैं तो ऑक्सीजन हमारे नाक से होते हुए फेफड़ा तक जाता है, ठीक है, लंग्स तक जाता है। तो ये जो जाने का रास्ता हुआ, वो किसके वजह से गया, किसके वजह से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, नाम है उसका वहन तंत्र। क्या नाम है उसका? वहन तंत्र। दूसरी बात कि जब हम लोग भोजन को करते हैं, जैसे मुंह में भोजन को डालते हैं, तो ट्यूब से होता हुआ भोजन हम लोगों को बड़ी आंत में जाता है, ठीक है, और ये बड़ी आंत में जैसे ही गया तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में भोजन को कौन मदद किया, जिसका नाम है वहन तंत्र। यानी वहन तंत्र का जो मेन काम है ना, भोजन को या फिर ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए कौन काम करता है, वहन तंत्र। फिर लिखेंगे उसके नीचे एरो, नेक्स्ट एरो, रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में कार्बन स्रोत तथा ऑक्सीजन का उपयोग, कार्बन स्रोत तथा ऑक्सीजन का उपयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए होता है, ऊर्जा प्राप्ति के लिए होता है, तब तब ऐसे उपोत्पाद भी बनते हैं, तब ऐसे उपोत्पाद, तब ऐसे उपोत्पाद भी बनते हैं जो शरीर की कोशिका के लिए, जो शरीर की कोशिका के लिए न केवल अनुपयोगी होते हैं, न केवल अनुपयोगी होते हैं, बल्कि वे हानिकारक भी हो सकते हैं, वे हानिकारक भी हो सकते हैं। अतः इन अपशिष्ट पदार्थों को, इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर के बाहर निकालना आवश्यक हो जाता है, शरीर के बाहर निकालना आवश्यक हो जाता है, जिसे जिसे उत्सर्जन कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं, और इसको हम लोग VVI बना देंगे, VVI एरो, ठीक है। अब देखिए, उत्सर्जन किसको कहते हैं दोस्त? उत्सर्जन का मतलब होता है निकालना, ठीक है,
उत्सर्जन का मतलब त्यागना, जैसे हम लोग कुछ खाते पीते हैं तो मल मूत्र के माध्यम से हम लोग उसका त्याग करते हैं, शरीर से बाहर करते हैं। तो कोई भी पदार्थ को जैसे हम लोग शरीर से बाहर निकालते हैं वह क्या कहलाता है? उत्सर्जन। जैसे कि मल मूत्र त्यागते हैं वो किसके, वो क्या कहलाया? उत्सर्जन। वही नहीं, हम लोग के शरीर से पसीना निकलता है, पसीना भी तो बाहर हुआ, दैट इज उत्सर्जन। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो उत्सर्जन का मतलब क्या हुआ? हमारे शरीर में जो खराब पदार्थ हैं वो खराब पदार्थ अगर हमारे शरीर में रहेगा तो हानिकारक भी पहुंचा सकता है। इसलिए उन खराब पदार्थों को, जिसको हम लोग अपशिष्ट पदार्थ भी कह सकते हैं, उसको हम लोग को शरीर से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और जब हम इसको शरीर से बाहर निकालते हैं तब इस क्रिया को हम लोग उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिखे यही हैं कि जैसे भी हम लोग कुछ चीज़ खाए पिए, राइट, तो जो भी चीज़ खाया पिया हुआ होता है वो तो जानते हैं ना कि हम लोग कार्बन होता है। हम लोग इसके पिछले टॉपिक्स में भी पढ़े थे, पिछले एरो में, कि हम लोग जितनी भी चीज़ों को देख रहे हैं, पृथ्वी पर जितना भी जीवन है सब किस पर आधारित है? तो कार्बन पर आधारित है। तो ये बिल्कुल पक्की बात है कि जो चीज़ हम खाएंगे वो भी कार्बन ही होगा। तो जो कार्बन स्रोत हम खाते पीते हैं उसमें चूंकि ऑक्सीजन का भी तो उपयोग करते हैं, तो इससे जो ऊर्जा प्राप्त हुआ, ठीक है, ऊर्जा यानी कि ऑक्सीजन भी हम लोग को जरूरत है, भोजन भी जरूरत है, तो ये दोनों से जो ऊर्जा मिला यह ऊर्जा उत्पादक उपोत्पाद, उपोत्पाद का मतलब उत्पाद, उत्पाद को ही हम लोग यहाँ लिखे हैं उपोत्पाद, यानी कि उत्पाद जो बनता है ना उसमें कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी बन जाता है, जिसमें हम लोग मल मूत्र या पसीना को शरीर से बाहर करते हैं। तो फिर यही बोला गया कि जब कोई भी कार्बन स्रोत भोजन के रूप में हम लोग करते हैं तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो अभिक्रिया करके एक उपोत्पाद बनाता है, उत्पाद बनाता है, जो शरीर की कोशिका के लिए क्या है? हानिकारक है, अनुपयोगी है, उस शरीर के लिए कोई उपयोग नहीं है। जैसे मतलब हम लोग भोजन किए, अब उसका रिएक्शन हो गया, मतलब कि भोजन पच गया, तो पचा हुआ भोजन यानी कि जो भी खराब पदार्थ है वो साइड हो जाता है, जिसको हम लोग मल मूत्र के माध्यम से त्याग देते हैं। तो जो चीज़ जरूरी नहीं है, यानी कि जिसको हम लोग अपशिष्ट पदार्थ भी कह सकते हैं, जो अगर शरीर के अंदर अगर ज़्यादा दिन तक रह गया तो ये मल मूत्र शरीर को हानि भी पहुँचाते हैं, इसलिए उसको क्या होना चाहिए? शरीर के बाहर करना अति आवश्यक है, अति आवश्यक बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए दोस्तों हम लोग इसको शरीर से बाहर कर देते हैं, किसको? तो अपशिष्ट पदार्थ को। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आंसर होगा कि अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। यहाँ तक भी हो जाएगा ठीक, लेकिन आप पूरा लिख देंगे तो और अच्छी बात है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हम लोगों ने जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ा, लेकिन दोस्तों हम लोग चूंकि एनसीईआरटी बुक को फॉलो कर रहे होते हैं तो बीच बीच में भी एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन यानी कि प्रश्न के तौर पे आ जाते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है। पहला क्वेश्चन लिखा जाए पहले, हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में, हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में, ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों पर्याप्त है? विसरण क्यों पर्याप्त है? हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है? चलिए हो गया ना, यानी कि क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए हम लोग आंसर देखते हैं।
तो उसके नीचे आंसर लिखेंगे, उत्तर, फर्स्ट का आंसर लिखा जाए बहुकोशिकीय जीवों में, बहुकोशिकीय जीवों में सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण में, अपने आसपास के पर्यावरण के लिखिएगा, सीधे पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह सकते, सीधे संपर्क में नहीं रह सकते, पूर्ण विराम, बहुकोशिकीय जीव का शरीर का आकार, बहुकोशिकीय जीव का शरीर का आकार विशाल तथा संरचना जटिल होता है, संरचना जटिल होता है, अतः अतः साधारण विसरण, अतः साधारण विसरण सभी कोशिकाओं के ऑक्सीजन की आवश्यकता, सभी कोशिकाओं की ऑक्सीजन की आवश्यकता को पूर्ति नहीं कर सकता है। चलिए तो हम लोग का आंसर भी कंप्लीट हो गया। सवाल बोल रहा था कि जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं, ध्यान दीजिएगा बातों पे, कि जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं, जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं तो उनकी ऑक्सीजन की आवश्यकता जो है विसरण अपर्याप्त है। अपर्याप्त का मतलब होता है कि ऑक्सीजन की क्रिया जो उपस्थिति है या आवश्यकता है पूरी करने के लिए विसरण जो है काम नहीं करता, उपयोग नहीं करता है। अच्छा, क्यों नहीं वो पर्याप्त है, जरा इस बात बारे में हम लोग पढ़े भी हुए हैं कि आपको पता होना चाहिए। एक कोशिकीय जीव, जैसे कि अमीबा के बारे में आप सुने होंगे कि एक कोशिकीय जीव जो अमीबा है ना, अपना भोजन का आदान प्रदान करने के लिए या फिर गैसों का आदान प्रदान करने के लिए, चूंकि पर्यावरण के सीधे संपर्क में रहता है, जो एक कोशिकीय जीव होते हैं ना, उनका पूरा का पूरा बॉडी, पूरा का पूरा शरीर किससे जुड़ा हुआ रहता है, तो पर्यावरण से जुड़ा रहता है। तो जब पूरा का पूरा बॉडी उनका पर्यावरण से जुड़ा हुआ रहता है, तो यही कारण है कि उनमें जो भोजन की क्रिया होती है, इट मीन्स कि जो ऑक्सीजन गैस होती है उसकी आदान प्रदान के द्वारा भी वो अपना भोजन कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हम बहुकोशिकीय जीव हैं, जैसे कि मानव या फिर कोई भी प्लांट्स, ये सब बहुकोशिकीय जीव है, ये सीधे संपर्क में नहीं आ सकता है, हमारा पूरा बॉडी पर्यावरण के संतुलन में नहीं आ सकता है, सिवाय हमें भोजन के साथ साथ श्वसन जरूरत है, उत्सर्जन जरूरत है ना, तो इसके साथ साथ हमें कई चीज़ों का जरूरत है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गैसों का आदान प्रदान हो जाए तो फिर हम जीवित रह जाएं, ऐसा नहीं है। तो सवाल बोल रहा था कि जो बहुकोशिकीय जीव है उसमें ऑक्सीजन का जो क्रिया है क्यों नहीं होता है, अपर्याप्त क्यों है। तो अपर्याप्त इसीलिए है क्योंकि बहुकोशिकीय जीव का जो शरीर का आकार होता है वो बहुत बड़ा होता है ना, बहुत बड़ा होता है, और उसकी जो संरचना वो जटिल होती है, और वो पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह सकता है। ठीक है, चलिए लिखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। कोई वस्तु सजीव है कॉमा, इसका निर्धारण करने के लिए, कोई वस्तु सजीव है इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे, हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे। बोल रहे सवाल में कि कोई भी वस्तु सजीव है
उसके लिए हम क्या क्या उपयोग करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि पता होगा हम लोग कोई भी सजीव जैसे कि वृद्धि करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है ना। लेकिन वो डेफिनेशन हम लोग को वो जूनियर क्लास वाले के लिए वो डेफिनेशन हो गया। अभी जो हम लोग सजीव निर्जीव का डेफिनेशन देंगे कि जो भोजन बनाता है, जो अपना श्वसन की क्रिया करता है, जो अपने संतान की उत्पत्ति कर सकते हैं, ठीक है, जो उत्सर्जन की क्रिया को करते हैं, वे सजीव का मुख्य लक्षण है, ठीक है। तो इसका आंसर लिखा जाए, कोई वस्तु सजीव है इसका निर्धारण करने के लिए, दूसरा का आंसर लिखेंगे, कोई वस्तु सजीव है इसका निर्धारण करने के लिए हम सजीव को उसके अंदर उपस्थित जीवन से पहचानते हैं, जीवन से पहचानते हैं, जबकि जबकि जीवन को उसमें जबकि जीवन को उसमें कुछ विचित्र कॉमा विशिष्ट कुछ विचित्र कॉमा विशिष्ट तथा मौलिक लक्षण के आधार पर भी मौलिक लक्षण के आधार पर भी पहचाना जाता है, मौलिक लक्षण के आधार पर भी पहचाना जाता है, जैसे पोषण कौमा श्वसन कौमा जनन की वृद्धि और उत्सर्जन आदि, जनन की वृद्धि और उत्सर्जन आदि। हाँ जी, तो हम लोग क्या पढ़े, हम लोग यही पढ़े कि कोई भी वस्तु है ना जो सजीव है, उसको तो हम लोग पहचान सकते हैं उसके अंदर के जीवन को देखकर, ठीक है। उसके अगर अंदर जीवन उपस्थित है तो हम बोलेंगे कि भाई हाँ वो सजीव है। लेकिन दोस्तों, उसके साथ साथ उस सजीव प्राणी में कुछ विचित्र या विशिष्ट लक्षण मौजूद होते हैं। अब ये कुछ लक्षण का नाम क्या क्या है, तो वो लक्षण के तौर पे पोषण करते हों, पोषण का मतलब वो भोजन करते हों, फिर है श्वसन यानी कि गैसों को अपने शरीर के अंदर लेते हों, दैट इज श्वसन, जनन की वृद्धि, जनन का मतलब वो अपने संतान की उत्पत्ति करते हों, जैसे मानव या फिर कोई भी जीव अपने संतान को बढ़ाता है, वही नहीं पेड़ पौधे भी अपने संतान की उत्पत्ति करते हैं, सिवाय इसके फल फूल या फिर अपने जो जनन वृद्धि होता है, हाँ तो उनकी वृद्धि करते हैं। फिर हुआ कि उत्सर्जन, ठीक है, उत्सर्जन का मतलब उनके अंदर अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना। तो ये सभी क्रियाएं, ये सब लक्षण भी पाए जाते हैं। तो ये सब लक्षण कुछ विशिष्ट लक्षण हैं जो इसी के आधार पर हम लोग जीव को पहचान सकते हैं कि वे जीव क्या है, सजीव की कैटेगरी में है। तो यही पूछ रहा था मैं सवाल कि सजीव है इसका आप निर्धारण करने के लिए कौन कौन से मापदंड का प्रयोग करेंगे, आप किस किस आधार पर बोलेंगे कि ये जो है सजीव है या फिर निर्जीव है ना। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड नंबर क्वेश्चन लिखेंगे, किसी जीव द्वारा किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है, किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है, बोल रहे हैं। देखिए, अब कच्ची सामग्री का मतलब क्या होता है, कच्ची सामग्री का मतलब ये होता है कि
कि जो भी चीज़ें किसी भी जीव के लिए ज़रूरत है, जैसे अगर हम लोग मानव हैं, ह्यूमैनिड हैं, तो अब हम लोगों के लिए क्या ज़रूरत है? तो हम लोगों के लिए गैस, ऑक्सीजन गैस ज़रूरत है, भोजन ज़रूरत है, और भोजन कौन सा? मिट्टी वाला भोजन तो कर नहीं सकते हैं, उसको पोषक तत्व वाला भोजन हम लोगों को चाहिए, जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, वसा हो, फैट हो ना। तो हम लोगों को तो भोजन भी ज़रूरत है, और भोजन कौन सा? जिसमें हम लोगों को शरीर के लिए आवश्यक चीज़ों को पूर्ति करने का उसमें कुछ पाया जाता हो, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सब हम लोग को चाहिए। तो वैसे ही भोजन चाहिए जो जिसकी हमें ज़रूरत होती है शरीर की, ठीक है? ऐसा नहीं कि भोजन मतलब कुछ भी आप कर लो। तो कहने का मेरा मतलब है कि कच्ची सामग्री का मतलब ये हुआ कि जो हम शरीर के बाहर से लेते हैं अपने शरीर की वृद्धि करने के लिए, या फिर शरीर के लिए आवश्यक जो पोषक पदार्थ होते हैं उनके लिए। तो सवाल बोला गया कि किसी जीव द्वारा, तो किसी जीव द्वारा मतलब सजीवी द्वारा ना, कोई भी भोजन और ऑक्सीजन कौन कर सकता है? तो सजीव प्राणी ही कर सकते हैं। तो बोला जा रहा है किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्री का उपयोग किया जाता है, ठीक है? इसका आंसर लिखेंगे। आंसर, किसी जीव द्वारा, किसी जीव द्वारा निम्नलिखित कच्ची सामग्रियों का उपयोग, किसी जीव द्वारा निम्नलिखित कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। पहला, जब निम्नलिखित लिखे हैं तो निम्नलिखित का मतलब क्या? नीचे लिखा होगा। पहला पहला सांस लेने में ऑक्सीजन का प्रयोग या उपयोग, सांस लेने में ऑक्सीजन का उपयोग पहला में लिखा जाए। सांस लेने में ऑक्सीजन का उपयोग, चलिए। तो हम लोग को कच्ची सामग्री बोला गया क्या कि आप कच्ची सामग्री के लिए, जीवों के लिए जो कच्ची सामग्री जो है, तो उनके लिए का उपयोग क्या हो सकता है? तो कच्ची सामग्री में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का जो उपयोग है, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग कच्ची सामग्री का उपयोग किया जाता है, यानी कि किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है? तो पहला है सांस लेने में ऑक्सीजन का उपयोग, ठीक है? फिर सेकंड लिखा जाए, भोजन प्राप्ति के लिए उचित पोषक, भोजन प्राप्ति के लिए उचित पोषण, पोषण लिखिएगा, ठीक है? उचित पोषण। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हमें सवाल बोल रहा था कि कौन किसी जीव के लिए कच्ची सामग्री के रूप में किसका उपयोग करते हैं, ठीक है? तो कच्ची सामग्री के रूप में जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो दो का इस्तेमाल करते हैं। पहला कि सांस लेने में ऑक्सीजन का प्रयोग, जो एक कच्ची सामग्री के रूप में हुआ, ठीक है? और दूसरा भोजन प्राप्ति के लिए, भोजन लेने के लिए उचित पोषण जो होना चाहिए, ये भी एक हम लोगों का किसमें कच्ची सामग्री में ही सम्मिलित होता है। चलिए फिर उसके बाद का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा जाए। जीवन के अनुरक्षण के लिए, जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे? जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन किन प्रक्रमों
को आवश्यक मानेंगे। आवश्यक मानेंगे, बोल रहा होगा कि जीवन के अनुरक्षण। अच्छा, अनुरक्षण का तो मतलब जानते हैं, अनुरक्षण का कार्य का मतलब क्या? अनुरक्षण का कार्य वे कार्य कहलाते हैं जो हमारा बॉडी, हमारा पूरा शरीर रेस्ट में होता है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर के जो ऑर्गेन्स होते हैं वो कार्यशील होते हैं। जैसे अगर हम सोए रहते हैं या बैठे रहते हैं, तो अंदर की जो भी ऑर्गेन्स होते हैं, तंत्र होते हैं, वो अपना कार्य करते रहते हैं। जैसे भोजन का पचना, वो होते रहता है, श्वास यानी कि हृदय का धड़कना, ये सब क्रियाएं होती रहती है। तो ये सब कहलाते हैं कौन से? अनुरक्षण के कार्य। तो अनुरक्षण के कार्य हेतु आप किन किन प्रकर्मों को आवश्यक मानते हैं? अनुरक्षण के कार्य करने के लिए हम लोग पहले सीख चुके हैं कि मुख्य तीन चीजों का होना जरूरी है। पहला पोषण, पोषण का मतलब शरीर के बाहर से कोई भी हम लोग अपना भोजन करते हैं, दैट इज पोषण। दूसरा श्वसन, ठीक है, श्वसन का मतलब बाहर से ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करना। फिर उत्सर्जन, यानी कि ये तीन जो चीज है, पोषण, श्वसन और उत्सर्जन, यही मापदंड है, या फिर बोल सकते हैं कि आवश्यक है किसके लिए? अनुरक्षण के कार्य के लिए। तो सवाल बोल रहा था कि अनुरक्षण के कार्य के लिए सबसे उपयोगिता, यानी कि आप किन किन प्रक्रमों को आवश्यक मानते हैं, मेन मानते हैं, तो लिखा जाए उसका आंसर, उत्तर, हम जीवन के अनुरक्षण के लिए हम जीवन के अनुरक्षण के लिए पोषण कौमा श्वसन, पोषण कौमा श्वसन तथा उत्सर्जन, उत्सर्जन को आवश्यक मानते हैं, को आवश्यक मानते हैं। तो इस तरीके से सवाल बोल रहा था कि कौन कौन से ऐसा प्रक्रम है जो अनुरक्षण के लिए आप उसको आवश्यक मानेंगे या मानते हैं। तो वही तीन चीज है, पोषण, श्वसन और उत्सर्जन। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चंस को किए, जो एनसीईआरटी के बीच के कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो आज के क्लास को हम लोग यही एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, फिर आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।